हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं चैंग जो जियान के घर पे रहती है, वो वहाँ से सनसेट देखती रहती है और जेंग को भी अपने साथ सनसेट देखने को कहती है। पर उसे याद आता है कि जेंग तो कोई कलर देख ही नहीं सकता है, उसे बहुत बुरा फील होता है और सॉरी भी बोलती है। तभी जियांग जेंग की तरफ टर्न होकर कहता है कि अगर तुम मुझे सनसेट के बारे में बताओगी तो मैं इमेजिन कर लूँगा। तभी वहाँ पर जियांग दीवार कूद कर जेंग के घर में आ जाता है। वो दोनों से देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो जेंग बोलता है, घबराओ, मैं कोई चोर उर नहीं हूँ, मुझे गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए मैंने ऐसे आया हूँ। तभी चैंग उसे ध्यान से देखती है तो उसे याद आ जाता है कि उसकी बहन के साथ जो स्कैंडल हुआ था इसी लड़के के साथ हुआ था। उसी टाइम चेंजू को भी याद आया था कि इसके साथ वो गेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसके बाद छोड़ दिया था। जियांग तो चेंजू को उसे मास्टर बनने के लिए बोलता है, पर चेंजू तो उसे मना ही कर देता है। लॉन में ही बैठ जाता, बोलता जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं बनोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी जेंचू उसे गार्ड को बुलवा कर उससे बाहर निकलवा देता है। चैंग जेंचू को बाय करके वहाँ से चली जाती है। वो प्यारा सा स्माइल पास करता है। इसके बाद हम देखते हैं अदर कंट्री से गो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, उसमें से कोरिया का भी टीम था जिसमें से एक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, उस पर लिन का क्रश था। लास्ट में हमारा हीरो का टीम एंट्री करता है। चैंगलियो भी रिपोर्टर की तरफ से वहाँ पे आई होती है। चैंग जेंगलियो को भी बेस्ट ऑफ लक बोलती है। कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें शाही मैच जीत जाता है, वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाता है। उसी तरफ याहू और जेंचू का भी गेम हो रहा था जिसमें जेंचू जीत जाता है। इसके बाद जेंचू से सभी रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उसमें से चैंग भी रहती है और चैंग भी छुपकर उसे अप्रिशिएट करती है। फिर जेंचू उसके पास जाता है, बोलता है कि अब हम सेमीफाइनल में मिलेंगे। सभी रिपोर्टर फिर से चैंग की तरफ पॉइंट आउट करने लगते हैं। इसी तरह लोग याहू को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड था और बोलते कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया जिंगचू को हराने का पर मैं नहीं हरा पाया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग जैन के पास जाती है और उसे ऑल द बेस्ट बोलती है सेमीफाइनल के लिए, हैंडशेक भी करती है। जब शाही चैंग से हैंडशेक करने जाता है, जेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, चैंग उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। तब शाही उसे स्माइल करता हुआ अंदर चले जाता है। फिर जेंगचू बैठा हुआ था, वो अपना बुक देखने लगता है जो हमेशा वो अपने साथ रखता था। वो बुक उसके पास नहीं होती तो बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो जाता है। इधर गेम स्टार्ट हो गया था, सभी जेंगचू का ही वेट कर रहे थे। उसी तरफ याहू का ब्रदर वो बुक डस्टबिन में फेंक दिया था। इधर जेंचू बहुत ही ज्यादा परेशान था। याको भी समझ में आता है कि ये काम कोई और नहीं, उसका भाई ही किया है। हमेशा पास रखता था जिसकी वजह से वो अपने आप को काम डाउन करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग अपने आप को संभाल कर कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो जाता है। वो जाते रहता, तभी उसका कार्ड गिर जाता है और उधर से वो देखता है कि चैंग भी उसके पास आ रही है। आते ही वो उसको हक कर लेती है, काम डाउन करने को कहती है। इस वहाँ पर खड़ी भी रहती है पर वहाँ पर रिपोर्टर खड़ा नहीं होना था, इसलिए बाहर चली जाती है। जैसे ही ये जेंचू मैच जीत जाता है, चैंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। चैंग उसे बहुत प्यारी भरी नजरों से देख रहा था। फिर हम देखते हैं चैंग मियाओ फिर जेंचू के पास जाती है। बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो मैच जीत गया था। जेंगली बताता है कि मैच मैंने इसलिए जीत पाया क्योंकि वो कॉम्पिटिटर गलती कर दिया था। तो बोलती, मुझे सब कुछ नहीं पता, तुम मैच जीत गए ना। और साथ में चैंग परेशान भी थी क्योंकि उसका बुक चुक हो गया था। जेंगली उसको अपने साथ में केक खाने को ऑफर करता है, वो मान जाती है। उसी तरफ शाही और मियाओ गेम खेलते रहते हैं, याहू ये मैच जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं याहू अपने भाई को डांट रहा था क्योंकि जेंगली का उसने बुक चुराया था। उसका भाई झूठ बोलता कि मैं नहीं चाहता था कि कोई और मैच जीते, तो उसका भाई उसको डांटता है, बोलता कि मैं चाहता हूँ कि जेंगली को मैं अपने स्किल से हराऊं, ना कि कोई चीटिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैच होता है जिसमें यांगली जीत जाता है और जेंचू हार जाता है। यांगली तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने जीनियस को हरा दिया है। मिया तो उसे हारने से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। वो उसके पास जाकर अपने साथ खाना खाने को बोलती है, वो भी उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। चैंगली बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो मैच हार गया। जेंग बोलते हैं कि ये मैच मैंने अपनी गलती की वजह से हारा हूँ, वो बुक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट डे चैंगलिया मास्टर शाही के पास जाती है, वो उसे बुक देती है और बोलती है कि बुक जेंग को दे देने के लिए। मास्टर शाही भी ये बात समझ जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं मास्टर शाही जेंग के पास जाते हैं और बोलते कि ये बुक मैंने ऐसे ही दिया था, तुम इतना इम्पोर्टेंट इस बुक को क्यों दे रहे हो। फिर मास्टर शाही उसे
चैंगलियावाला बुक देते हैं, अपने ही चैंग का बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये मौका प्लीज मत गवाना। ये सुनकर तो जैंग तो कुछ ज्यादा ही स्माइल करने लगता है, तो साथ में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैंग चैंग का दिया हुआ बुक के साथ फोटो क्लिक करता है और चैंग को भेज देता है, जो चैंग ये देख कर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैच के दिन में चैंग तो ऑलरेडी थी और सब लोग चैंग का वेट कर रहे थे। वहाँ पे आ जाता है, वो कैमरे की तरफ देखकर प्यारा सा स्माइल पास करता है। एक्चुअली में वो तो चैंग की तरफ ही देखकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है तो और देखते हैं गेम में लियो मी इस गेम में हार जाता है और चैंग से कहता है क्या वो आज रात उसके घर में रह सकता है। रीजन भी देने लगता है, बोलता है कि मैं शांत जगह में रहना चाहता हूँ, होटल के सर्विस वो सेटिस्फाई नहीं रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो चैंग चू के घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जेंग सभी को स्ट्रिक्टली बोलता है कि मेरा सामान को टच मत करना। फ्रिज में खाना खाने के लिए कुछ बनाने के लिए जा रहा था तभी जेंग उसको मना कर देता है। अब बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको खाना है तो बाहर जाके खा लो। तो बोलता है कि मैं सबका पैसे पे कर दूंगा, तो जेंग बोलता है कि सब प्राइसलेस है। ये सुनकर तो उसका फेस ही बन जाता है। उसे सोफा पर सोने के लिए बोलकर वो अपने रूम में चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जेंग की फ्रेंड बोलती है कि टेंशन मत लो यार, तुम्हारी बॉयफ्रेंड ही मैच जीतेगा। वो चैन जल्दी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है, अपने आप को दिलासा देती है कि टेंशन मत लो, जेंग चू ही मैच जीतेगा। जेंग का भी टीम कंफ्यूज रहते है कि फाइनल मैच कौन जीतेगा। चैंग लियाओ भी उन लोग के साथ ही बैठी रहती है, नया ट्रस्ट रहता है कि वो मैच जरूर जीतेगा क्योंकि उस पर क्रश जो था, और सब लोग गो गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। याहो बोलता है कि मुझे लगता है कि जेंग चू के कॉम्पिटिशन जीतने का बहुत कम चांसेस है, यांग लू ही मैच जीतेगा। फिर दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है, दोनों ही गजब कॉम्पिटिटर थे पर हमारा हीरो ये मैच जीत ही जाता है। चैंग मियाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह डांस करने लगती है, इतनी खुश हो जाती है। आई तो इस बात का बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि याहो ये मैच हार गया। ये लास्ट में हैंडशेक कर रहे थे तभी उसको पकड़ कर उसको तारीफ करने लगता है। इसके बाद जेंग चू को सब ट्रॉफी देते हैं। जेंग चू वहाँ से जा रहा होता है तभी याहो उसके पीछे आता है, उसको अपने साथ डिनर करने को कहता है पर जेंग तो उसको साफ मना कर देता है, बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तभी वहाँ पर जेंग का एंट्री होता है, वो बोलता है, वो फिर से बोलता है उसे मास्टर बनने के लिए, घर में ही बैठ जाता है, बोलता है कि जब तक तू मेरा मास्टर नहीं बनोगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तभी वो जेंग चू उसको बोलता है इसको हटाने के लिए, वो भी बोलता है अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो मैं इसे हटा दूंगा, और जेंग के पास जो ऑप्शन नहीं था वो मान जाता है। हम देखते हैं कि यांग हो जेंग के लिए खाना बना रहा था और गाना भी गा रहा था। तो खाना खाता है तभी वो फ्लावर देखता है, तो जेंग पूछता है फ्लावर कहाँ से लियो, तो उसे पता चलता है कि ग्रीन हाउस से वो फ्लावर लिया है। तो योंग को सामान सहित बाहर ही फेंकवा देता है। जब जेंग अपना घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर मिस्टर कार्टो खड़े होते हैं, उसके घर में आकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। वहाँ पे चैंग लियो भी आ जाती है। दूसरी तरफ योंग मास्टर साई के प्लेस पर आ गया होता है और लिन ये तो देखकर पागल ही हो जाती है कि उसका क्रश वहाँ पर रहने के लिए आया है, और फिर सब उसको वहाँ पर रहने के लिए मान जाते हैं एक्सेप्ट शाही के अलावा। इधर मास्टर कार्टून उन लोग को अपने बाल बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ट्रॉफी जीतकर उसको प्रपोज करने वाला था पर वो कंपटीशन हार गया है। फिर मिस्टर कार्टो उससे हेल्प मांगते हैं कि प्लीज ऐसा एनवायरनमेंट करो जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड कॉन्ग को प्रपोज कर सके। जेंग को साइड में ले आकर कार्टो को हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं चैंग और जेंग मास्टर शाही के प्लेस पे जाते हैं और सभी लोग को कांटो को हेल्प करने के लिए बोलते हैं, बोलते हैं कि हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। अब वो लोग वैसा ही करने में लग जाते हैं। चैंग और जेंग मिस्टर कांटो का ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं और बाकी सब डेकोरेट करने में हेल्प करते रहते हैं। रात में कॉन्ग आती है और जेंग हमारा हीरो प्यारा सा गाना गा रहा होता है, बस चैंग लिया को ही देखे जा रहा था और गाना गा रहा था। फिर मिस्टर कार्टून कॉन्ग को प्रपोज करते हैं और वो भी हाँ बोल देती है। बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो लोग का टास्क कंप्लीट हो गया था। दूसरी तरफ चैंग और जेंग जा रहे थे और वो लोग बस में सॉन्ग भी सुनते हैं। उसी टाइम जेंग ली डिसाइड कर लिया था कि वो अपना फीलिंग उसको बता देगा। वो अपने प्लेस पर पहुँच कर जेंग चू चैंग लिया को अपना फीलिंग के बारे में बता देता है, बोलता है कि अगर उसके लिए वो आइडल नहीं है तो अपने आप को बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा और वो उसके लिए आइडल बन के रहेगा। तो बोल ही देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।